हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन सारी की ड्रिपिंग जो है तो मैंने बनाई हुई है। ये वाली सेकंड स्टाइल है इन्फिनिटी ड्रिपिंग। तो आज के इस वीडियो में ये दो स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो डेली वेयर सारी ड्रिपिंग है वो हाँ, मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको कैसे लगे वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो देखिएगा, ये कुछ इस तरीके की ब्लू कलर की साड़ी है और गोल्डन कलर की इसकी बॉर्डर है। सो यहाँ पर हमें बेसिक राउंड साड़ी का कुछ इस तरीके से नीट एंड क्लीन लेना है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर फ्लफीनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बेसिक राउंड में ही आप अगर फ्लफीनेस आपका रहता है तो इससे साड़ी की ड्रिपिंग जो है तो नीट एंड क्लीन नहीं आएगी। इस साड़ी का जो पल्लू है इसको टाइजर्स दिए हुए हैं, इसको अब मैं गैदर करूँगी और गैदर करते हुए पीछे से सामने की तरफ लेकर आऊँगी। सेकेंड राउंड यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। अभी लेने के बाद जो भी नीचे की बॉर्डर आती है यहाँ पर ये वाली, तो इसको हमें कुछ इस तरीके से हाथ से फिंगर और थंब की हेल्प से इसके प्लेट्स में इसको अरेंज कर लेना है। वन बाय वन इसको हमें अभी अरेंज करना चाहूँगी। ज़्यादा भी बड़े प्लेट्स यहाँ पर नहीं बनाना चाहूँगी मैं, थोड़े मीडियम लेंथ के बनाएंगे। सो इस तरीके से हम बनाएंगे और प्लेट्स को बनाने के बाद अच्छे से इसको अब हम अरेंज भी कर लेंगे। और अरेंज करने के बाद इसको मैं सेफ्टी पिंस लगा कर सेट भी करना चाहूँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं और एकदम परफेक्टली कोई भी अगर नीट एंड क्लीन साड़ी अगर आप ड्रिपिंग करना चाहते हैं सिल्क की वगैरह साड़ीज हो, तो सबसे पहले यही होगा कि आप पल्लू का जो पोर्शन होता है उसके जो प्लेट्स होते हैं वो पहले अरेंज ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपका जो साड़ी का पोर्शन पूरा जो लुक आएगा वो नीट एंड क्लीन आता है। अगर सेफ्टी पिन से सेट करते हैं और बाद में अगर आप सेफ्टी पिन लगा निकाल भी लेते हैं तो वो जो पोर्शन होता है वो वैसे के वैसे ही रहता है। सो इसीलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको कहीं बाहर भी लेकर जाना है साड़ी को तो पहले भी पल्लू का पोर्शन आप इस तरीके से अरेंज करते हुए रख सकते हैं और अरेंज करने के बाद इजीली आपकी जो ड्रिपिंग है वो भी यहाँ पर बन जाएगी। सो इस तरीके से बनाएंगे और बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल दिया। पल्लू का पोर्शन लंबा ही रखना है, ये कंपलसरी होगा क्योंकि आपका जो लुक है वो यहाँ इससे स्लिम और थोड़ा सा टॉल इससे दिखने में बहुत हेल्प होती है। अगर थोड़ा कम पल्लू रखते हैं आप तो पता नहीं, लेकिन पूरा जो पोस्चर होता है हमारा वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता। अब ये वाले जो बॉर्डर है इसको मैं कुछ इस तरीके से राइट वाले हैंड से खींचूँगी और राइट वाले हैंड से जो भी साड़ी का पोर्शन है उसको सेट करूँगी। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करते हुए यहाँ पर कमर में टकिंग करेंगे। यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन नहीं लगा रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। अभी जो भी सामने के फ्रंट प्लेट्स है उसको अरेंज करेंगे। सो कुछ इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मैंने राइट वाला पैर इस पर रखा हुआ है फैब्रिक पर। इससे हमारी जो प्लेट्स होती है वो थोड़ा सा बनाने में आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, सारे प्लेट्स बन जाते हैं वन बाय वन। यहाँ पर अगर आपकी साड़ी काफ़ी लंबी है तो आपको थोड़ा सा बड़े साइज़ में प्लेट्स को अरेंज कर लेना होगा। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में ही प्लेट्स को अरेंज किया है ताकि ज़्यादा भी प्लेट्स अगर हमारे बन जाते हैं तो यहाँ पर भी फ्लफीनेस बहुत ज़्यादा आता है और सेट नहीं करते हैं तो बहुत ही वो अच्छा नहीं दिखाई देता। इसीलिए इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करेंगे और एक सेफ्टी पिन मैंने ऊपर की तरफ लगा ली है। और लगा लेने के बाद नीचे के जो प्लेट्स है उसको भी मैं कुछ इसी तरीके से अरेंज करना चाहूँगी। इसको हम हाथ से ही प्रेस करते जाएंगे। ये वाली जो बॉर्डर अभी आई है इसको भी मैं कुछ इसी तरीके से जो भी ऊपर के प्लेट्स बनाए थे उसी को नीचे की तरफ फॉलो करते हुए हम इसी तरीके से इसको भी सेट करेंगे। हाथ से देखिएगा इस तरीके से प्रेस करना है। और जो भी प्लेट्स है वो अंदर की तरफ से भी आप अगर बॉर्डर को इस तरीके से सेट करते हैं तो अंदर की तरफ जो भी फ्लपीनेस है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अभी हम इसको टक इन कर देंगे, बेली बटन के नीचे टक इन करेंगे, ज़्यादा भी राइट साइड में नहीं और ज़्यादा भी लेफ्ट साइड में नहीं। सो देखिएगा एकदम अच्छी तरीके से हमारे प्लेट्स अरेंज हो चुके हैं। ये वाला जो फैब्रिक हमने ट्विस्ट करते टक इन किया हुआ था उसी को लेंगे और थोड़ा सा इसको खींचेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करना है। साड़ी के बॉर्डर को भी अच्छे से सेट करेंगे। इसको जितना भी आप खींचते हैं तो आपका ओवरऑल जो लुक आएगा यहाँ पर कमर का वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देने में हेल्प होती है। सो इस तरीके से इसको खींचेंगे और खींचने के बाद इसको हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद ये वाला जो फैब्रिक है ऊपर का इसको भी हम अच्छी तरीके से इसको टक इन कर देंगे।
ज़्यादा भी ऊपर की तरफ टकिंग नहीं करना है। राइट वाला जो फैब्रिक हमने टकिंग किया था उसको एक पिन यहाँ पर मैं लगाना चाहूँगी, पिन ज़रूर लगा लीजिएगा। और अंदर का जो फैब्रिक था वो भी इसमें लेंगे, सिर्फ प्लेट्स ही नहीं लेंगे। और बाद में ऊपर की जो प्लेट्स है उसको थोड़ा सा अभी हाथ से कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। पीछे से अगर नीचे की तरफ थोड़ा प्लेट्स हम करते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ चले जाते हैं फैब्रिक, इसलिए ये वाले पीछे से। तो आप देख सकते हैं अभी जो लुक आया है वो एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पर आया है, परफेक्टली आया है। और डेली वेयर में किसी फंक्शन में भी अगर आपको इस तरीके से सीधा पल्लू साड़ी वेयर करनी है, सॉरी उल्टा पल्लू साड़ी, तो एकदम नीट एंड क्लीन आप इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। कुछ इजी टिप्स और ट्रिक्स, और सिर्फ इसको अच्छी तरीके से प्लेट्स को भी बनाने के बाद उसको अरेंज करना है। इस तरीके से अगर आप वेयर करते हैं तो और भी आपका जो लुक है वो ओवरऑल बहुत सुंदर आएगा, स्लिम और टॉल भी दिखाई देगा। सो ये थी फर्स्ट ड्रिपिंग। अब मैं आपके साथ सेकेंड वाली ड्रिपिंग शेयर करना चाहूँगी, वो भी बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाती है। सो देखिएगा, फर्स्ट हमने ये वाला लुक बनाया था उसी को सिर्फ हम मैंने पल्लू का पोर्शन यहाँ पर मैं निकालना चाहूँगी और इसको मैं सामने की तरफ लेकर आऊँगी लेफ्ट वाले साइड से। और लेफ्ट वाले साइड से सामने की तरफ लेकर आने के बाद लेफ्ट वाले जो पल्लू का पोर्शन है वो हमने बनाया था उसको मैंने निकाला नहीं है, सिर्फ उसको मैं लेफ्ट साइड से सामने की तरफ इसको इस तरीके से नीचे की तरफ रखूँगी। ठीक है, अभी पल्लू का पोर्शन आप देख ही सकते हैं घुटने से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा है। यहाँ पर जो भी हमारे रिंकल्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। सो ये रिंकल्स इस तरीके से अच्छे से अरेंज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऊपर की जो अगर पल्लू का पोर्शन लाते हैं तो कभी कभी रिंकल्स ऑलरेडी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी ये वाले जो पल्लू का पोर्शन है सो इसको हमने सामने की तरफ लेकर आया है, तो ऊपर की जो बॉर्डर है आप देख ही सकते हैं वो हमारी राइट साइड से लेफ्ट वाले साइड में आएगी। और ये वाला जो नीचे का फैब्रिक है, नीचे की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगी। तो थोड़ा सा अलग तरीके से ये ड्रिपिंग आती है सामने की तरफ से भी, बहुत सुंदर लेकिन ये दिखाई देता है। और बॉर्डर की साड़ी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बॉर्डर की साड़ी के साथ ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर ये पोर्शन हमने लाने के बाद जो भी फ्रंट प्लेट्स हमने बनाए थे उसके नीचे ये फैब्रिक रखेंगे, और उसके बाद में ऊपर के जो भी प्लेट्स हमने बनाई थी उसको एक सेफ्टी पिन लगा कर मैं इस तरीके से अच्छे से इसको सेट करना चाहूँगी। अगर आपको यहाँ पर जो भी रिंकल्स आए हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ खींचते हुए दिखाई देते हैं तो प्लीट्स को, एक दो प्लीट्स को आप निकाल भी सकते हैं। अभी जो भी पल्लू का पोर्शन है वो भी मैं कुछ इस तरीके से अच्छे से इसको हाथ से प्रेस करते हुए लेकर जाऊंगी। ये वाली जो बॉर्डर है उसको भी कुछ नीचे की तरफ लेकर जाना है, एकदम गले के पास नहीं रखेंगे, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा लुक जो है तो वो आना चाहिए, इसको इन्फिनिटी ड्रिपिंग कहेंगे। बहुत सुंदर लुक ये देता है और बॉर्डर की साड़ी के साथ और भी मज़ेदार लगता है। सो कोई भी बॉर्डर की साड़ी हो, कटवर्क की साड़ी हो, तो इसके साथ में ये ड्रिपिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में एक वेस्ट बेल्ट ज़रूर लगा लीजिएगा। वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद जो भी बॉर्डर है उसको थोड़ा सा हम खींचते हैं और अच्छी तरीके से सेट करते हैं तो और भी अच्छी तरीके से आता है। नीचे का जो पल्लू का पोर्शन है पीछे का, सो उसको हमने बेल्ट में नहीं लिया है, आप देख ही सकते हैं। सो इस तरीके से फाइनल जो हमारा लुक है वो इन्फिनिटी ड्रिपिंग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट में सारी ड्रिपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये ड्रिपिंग स्टाइल कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।